हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये मैक्रोटेक का कार्ड आया है, इसमें मेन सप्लाई नहीं आ रही है, चेंज ओवर, इसका मतलब चेंज ओवर नहीं कर रहा है। इसका 18G और 18 लगाइए, चेक करेंगे ख़राब है या सही है। इसका 18G 18 ख़राब है, एक बार इसमें मेन सप्लाई लगा के देखते हैं। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इन्वर्टर ऑन हो रहा है हमारा अच्छा खासा। ये अब इसको मेन सप्लाई देंगे, लेकिन मेन सप्लाई नहीं आ रही है। जब हम इसका यूपीएस वाला सॉकेट में पेचकस डाल के बंद करेंगे यूपीएस को, तब मेन सप्लाई आएगी। चेंज ओवर नहीं कर रहा है ये। ये देखें दोस्तों, पेचकस से शॉर्ट करेंगे तो इसका यूपीएस बंद हो जाएगा और मेन सप्लाई आ जाएगी। लेकिन यूपीएस ऑन हो, मेन सप्लाई तभी आए तो ठीक है, यूपीएस बंद करने पे मेन सप्लाई आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। ये 18018 हमने निकाल लिया है, अब इसकी जगह दूसरा 18018 लगाएंगे। अट्ठारह जीरो अठारह हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं हो तो इसकी जगह 909 भी लगा सकते हैं, 12012 भी लगा सकते हैं।
इसको अच्छे से सोल्डिंग करके लगा लेंगे। जो हमने दूसरा 18018 लगाया था मेन सप्लाई उससे भी नहीं आई। अब हम इसमें ये 9 जना लगा के देखते हैं। हम इसमें दूसरा 18018 लगा दिया है, लग ये भी जाएगा लेकिन 18018 ज़्यादा बेस्ट है, ना हो तो मजबूरी है लगाना लेकिन 18018 ही लगाएं। ये देखें दोस्तों, चार्जिंग आ चुकी है इन्वर्टर में। ये हमारा नीचे वाला मीटर आउटपुट का है, ऊपर वाला मीटर चार्जिंग का है। दोस्तों इसका कैपेसिटर फूला हुआ है, वो भी रिप्लेस कर देंगे इसका।
कैपेसिटर 4700 UF 35 वोल्ट। देखें दोस्तों, चार्जिंग आ चुकी है। ऊपर वाला मीटर हमारा चार्जिंग का, नीचे आउटपुट का मीटर है।